तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में। और इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्टोरी आर्चर क्वीन और गॉब्लिन किंग की स्टोरी की ही तरह लंबी होने वाली है, जिसका मतलब इसके एक से ज्यादा पार्ट होने वाले हैं। तो उम्मीद है आप स्टोरी के साथ बने रहेंगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। रॉयल चैंपियन क्लैश विलेज के हीरोज की फैमिली की नई सदस्य है, जो टाउन हॉल 13 के आने के साथ क्लैश विलेज में देखी गई थी। और ये लगभग 4 साल बाद है कि क्लैश विलेज में कोई नया हीरो आया हो। रॉयल चैंपियन, जो डार्क लिक्जर का इस्तेमाल करने वाली एक नीडर योद्धा है, वैसे तो बहुत अलग है, पर ग्रैंड वार्डन की ही तरह वो ना सिर्फ दीवारों के ऊपर से अटैक कर सकती है, बल्कि वार्डन की ही तरह वो वॉल्स के ऊपर से कूद भी सकती है। और उसका खास हथियार, जो एक शील्ड और स्पेयर है, उसे और भी खतरनाक बना देता है। पर इतनी खतरनाक और अलग योद्धा अपने साथ बहुत से सवाल भी लेकर आई है, जैसे कि इतने समय से वो कहाँ थी, उसने वार्डन की तरह लड़ाई में दीवार के ऊपर से कूदना कैसे सीखा, उसे डार्क लिक्जर कैसे मिला, और वो कौन था जिसने उसे ट्रेन और खास सीकिंग शील्ड एबिलिटी इस्तेमाल करना सिखाई। आइए जानते हैं ये स्टोरी ऑफ रॉयल चैंपियन में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, अगर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। रॉयल चैंपियन, जो वैसे तो टाउन हॉल 13 के आने के साथ क्लैश विलेज में देखी गई थी, पर उसके आने से लगभग एक महीने पहले एक ट्रूप उसे पहले ही ढूंढने लग पड़ी थी, और वो ट्रूप थी आर्चर क्वीन। आर्चर क्वीन की खोज तब शुरू हुई थी जब लगभग एक महीने पहले वो रॉयल गोस्ट से मिली थी। रॉयल गोस्ट, जो उस समय हेलोवीन पर क्लैश विलेज में आया था, उसने जाने से पहले आर्चर क्वीन को एक बहुत जरूरी चीज बताई थी, और वो थी कि जो बुक ऑफ हीरो वो जानती है वो पूरी नहीं थी। आर्चर क्वीन ने उस समय तो इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस समय वो अपने लिए नई आउटफिट ढूंढ रही थी। पर जब वो आइस क्वीन बनी, उसने एक बार फिर शांत दिमाग से बैठकर रॉयल गोस्ट की कही बात के बारे में सोचा। उसे पता था कि वो रॉयल गोस्ट की बात पर विश्वास कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ग्रैंड वार्डन ने उन्हें अब भी बहुत सी चीजें नहीं बताई थी। इसलिए वो जानना चाहती थी कि बाकी की बुक ऑफ हीरो में और क्या राज छिपे हैं, और वो उम्मीद कर रही थी कि क्या पता उसे बुक में से उसे जंगल में जो केप मिला था उसके बारे में और जानकारी मिल सकती है। और वो अब भी जानना चाहती थी कि उसने जो उस फॉरेस्ट में हंटर्स की धुंधली सी मेमोरी देखी थी वो क्या थी। ये सब बातें आर्चर क्वीन को बहुत परेशान कर रही थी, पर उसे यकीन था कि जब उसे वो बुक मिलेगी उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अपने पिछले अनुभव से वो जानती थी कि ग्रैंड वार्डन ने उस बुक को अपने कमरे में कहीं रखा होगा, इसलिए उसने फैसला लिया कि वो रात के समय शिप कर जाएगी और उस बुक को ढूंढेगी। और जब रात हुई, जैसा उसने प्लान किया था, वो वार्डन के कमरे में गई और उस बुक को ढूंढने लगी। ग्रैंड वार्डन का कमरा बहुत सी किताबों से भरा था। आर्चर क्वीन सोच रही थी कि उस बुक को ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला था, पर जब वो वहाँ पहुँची उसे वो बुक सामने पड़ी मिली। आर्चर क्वीन उस बुक को देखकर बहुत खुश थी, इसलिए उसने उस बुक को उठाया और उसे पढ़ने लगी। वो बुक एक आम बुक थी जिसमें हीरोज के बारे में लिखा था, पर जब वो बुक को देख रही थी उसे अचानक से बुक में से एक फोटो मिला जिसमें सभी हीरोज खड़े थे, पर उस फोटो में आर्चर क्वीन, बार्बेरियन किंग और ग्रैंड वार्डन के अलावा कोई और भी था, पर किसी ने उसे उस फोटो से हटा दिया था। आर्चर क्वीन को याद नहीं था कि वो कौन था, पर उस फोटो को वहाँ देखकर वो हैरान थी। उसे लगा कि उस बुक में उसके बारे में कुछ और भी लिखा होगा, पर इससे पहले कि वो उसे पढ़ती कि तभी अचानक से ग्रैंड वार्डन वहाँ आ गया। वार्डन को अपने सामने देखकर क्वीन ने सोचा कि वो गुस्सा होगा, पर वार्डन ने गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराकर क्वीन से कहा, तुम यहाँ से कुछ भी पढ़ सकती हो। आर्चर क्वीन के सुनकर पहले तो हैरान हुई, पर फिर उसने अचानक से गुस्से में कहा कि वो जानता है कि वो यहाँ क्यों आई है, इसलिए वो उसे बताए जो वो जानना चाहती है। वार्डन ने उससे कहा कि वो मैं जानता हूँ, पर वो उसे अभी नहीं बता सकता, पर फोटो में जिसे तुम ढूंढ रही हो तुम उससे पहले ही मिल चुकी हो। आर्चर क्वीन ने कहा कि मैं किससे मिल चुकी हूँ। ग्रैंड वार्डन ने कहा कि एक योद्धा जिसे मैंने बनाया था, जिसमें किसी भी आर्मी को लड़ाई में लेने की क्षमता है, एक वॉरियर जो कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटती, वो एक चैंपियन है। आर्चर क्वीन ने वार्डन से पूछा कि उसे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं है, और अगर ऐसी कोई वॉरियर है तो वो इतने समय से कहाँ थी। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो वॉरियर इतने समय से कहाँ थी, तो देखना मत भूलिएगा अगला पार्ट रॉयल चैंपियन का, जिसमें हम जानेंगे कि रॉयल चैंपियन कहाँ से आई थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप अगला पार्ट भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप अगले पार्ट के अलावा और कौन सी स्टोरी देखना चाहोगे, स्कैटर शॉट की, रॉयल चैंपियन की, क्लैश ऑफ क्लैन की स्टोरी, या फिर आप किसी और गेम की कहानी देखना चाहोगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।